है कि इधर से नदी से हम लोग मोरम निकाल के भरुआ ले जाते हैं इधर, ताकि कोई काम धंधा है नहीं अपने बुंदेलखंड में, तो भरुआ जाते हैं। तो मान ले रोड में ट्रक वगैरह सभी निकलते हैं, कोई ऐसा हादसा हो जाए जिसमें मान ले भारी दिक्कत होती है, इसी वजह से हम अपना पेट पालने के लिए भरुआ सुमेरपुर में मोरम सब बेचते हैं। भरुआ में मोरम कितनी बिक जाती, कितने रुपए की बिकती है आपकी? 800 रुपए, 700 रुपए, 600 रुपए, इससे ज्यादा नहीं बिकती है। नदी से मोरम निकाल के ले जाते हैं और यहाँ भरुआ सुमेरपुर ले जाते हैं। बीच में कोई भी हादसा हो जाए रोड में, बेरोजगार आदमी, इसलिए जान जो कम में डाल के अपना ले जाते हैं पेट पालने के लिए। जिला प्रशासन की शिथिलता के चलते मोरम के अवैध खनन का कारोबार अब एक कुटीर उद्योग का रूप ले चुका है। गरीब तबके के लोग निजी भवन निर्माण के नाम पर बेतवा से मोरम निकालते हैं और इसी खूनी हाईवे के जरिए उसे छोटी छोटी मंडियों तक पहुँचाते हैं। हालांकि इस दौरान उन पर तो जान का खतरा मंडराता ही रहता है, साथ ही साथ इस हाईवे पर चलने वालों की जान भी जोखिम में रहती है। हालांकि बेतवा से हो रहे इस अवैध खनन के बारे में जब हमने जिले के जिम्मेदार अधिकारियों से बात करनी चाही तो उन्होंने कैमरे के सामने इनकार कर दिया। हमीरपुर से इतनी, भारत के लिए अमित मिश्रा।